दोस्तों, वन प्लस सिक्स लॉन्च हो गया हाल ही में और वीवो वी नाइन भी अभी लॉन्च हुआ, तो आज की वीडियो में इनका कंपैरिजन करेंगे और आपको बताएंगे अपने कुछ पर्सनल ओपिनियंस। और आपको ये भी पता चल सकता है इस वीडियो से कि इन दोनों मोबाइल में से कौन सा बेहतर है आपके लिए, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे टेक्स रिलेटेड और कंपैरिजन की वीडियो लाता रहता हूँ। दोस्तों, इसकी कंपैरिजन सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्प्ले साइज की, तो आपको 6.28 इंच की मिलेगी आपको वन प्लस सिक्स में, और आपको वीवो वी नाइन मिलेगी 6.3 इंच की डिस्प्ले। वीवो वी नाइन की डिस्प्ले थोड़ी सी बड़ी है वन प्लस सिक्स से, तो डिस्प्ले के मामले में वीवो वी नाइन आगे निकल जाता है, लेकिन दोनों ही डिस्प्ले फुल एच डी होंगी, नॉच भी दोनों डिस्प्ले में मिलेगा। और दोस्तों, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं फ्रंट कैमरे की, तो आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा वन प्लस सिक्स में मिलेगा, और वीवो वी नाइन में 24 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा, जो कि वन प्लस सिक्स से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो फ्रंट कैमरे के मामले में भी वीवो आगे निकल गया वन प्लस सिक्स से। और दोस्तों, रियर कैमरे की बात कर लेते हैं, तो रियर कैमरा मिलेगा 16+20 मेगापिक्सल का वन प्लस सिक्स में, और 16+5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलेगा वीवो वी नाइन में। तो दोस्तों, रियर कैमरे के मामले में तो वीवो पीछे हो जाता है वन प्लस सिक्स से। और दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं प्रोसेसर की, तो 2.8 ऑक्टा कोर स्नैपड्रैगन 845 का मिलेगा आपको वन प्लस सिक्स में, और 2.2 GHz ऑक्टा कोर आपको स्नैपड्रैगन 626 मिलेगा वीवो वी नाइन में। तो दोस्तों, इस प्रोसेसर के मामले में तो वन प्लस सिक्स बहुत ही ज़्यादा आएंगे, क्योंकि उसमें बहुत अच्छा प्रोसेसर है। स्नैपड्रैगन 626 आपको वीवो वी नाइन में मिलेगा, और स्नैपड्रैगन 845 आपको वन प्लस सिक्स में मिलेगा, ये बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। और दोस्तों, यहाँ पर अगर हम रैम के वेरियंट की बात कर लेते हैं, 6 GB रैम के साथ 64 GB की इंटरनल स्टोरेज और 8 GB रैम के साथ 128 GB की इंटरनल स्टोरेज मिलेगी आपको वन प्लस सिक्स में। और दोस्तों, आपको वीवो वी नाइन मिलेगा 4 GB रैम के साथ 64 GB की इंटरनल स्टोरेज। और दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बैटरी की, तो आपको 3300 mAh की बैटरी मिलेगी वन प्लस सिक्स में, और आपको वीवो वी नाइन में मिलेगी 3260 mAh की बैटरी। तो दोस्तों, बैटरी के मामले में तो वन प्लस सिक्स आगे निकल गया है वीवो वी नाइन से। और इसमें बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो आपको 8.1 का ओरियो मिलेगा आपको वन प्लस सिक्स में, और वीवो वी नाइन में मिलेगा 8.1 का ओरियो, दोनों में ही ओरियो इसमें, तो दोनों मोबाइल बराबर हैं। और वेट की बात करते हैं, तो 177 ग्राम का वेट है वन प्लस सिक्स का, और वीवो वी नाइन का वेट है 150 ग्राम। तो दोस्तों, वेट के मामले में तो वीवो आगे निकल गया है, क्योंकि उसका 177 ग्राम है और वीवो का है 150 ग्राम। दोस्तों, ये था आज का वीडियो, कुछ इंपॉर्टेंट स्पेक्स मैंने बता दिए हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं प्राइस की, तो 6 GB रैम के साथ 64 GB इंटरनल स्टोरेज वाला आपको फ़ोन वन प्लस सिक्स मिलेगा 34,999 रुपये का, और 8 GB 128 GB इंटरनल स्टोरेज वाला मिलेगा मोबाइल आपको 39,999 रुपये, और वीवो वी नाइन मिलेगा 4 GB 64 GB इंटरनल के साथ 22,990 रुपये का वीडियो में। और दोस्तों, अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन माने, तो मेरे अकॉर्डिंग वन प्लस ज़्यादा बेहतर रहेगा वन प्लस सिक्स, क्योंकि देखिए वन प्लस सिक्स में वाटर रेसिडेंट्स भी है, अगर आपके मोबाइल में हल्का फुल्का पानी चला जाता है तो उसमें कोई भी ख़राबी नहीं होगी आपके मोबाइल में, जैसे बारिश आ रही इसमें हल्का फुल्का भींग जाता है, तो आपके मोबाइल में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, वन प्लस सिक्स के ये दावा है। और वीवो का तो अता पता नहीं कि वाटर रेसिडेंट है कि नहीं है, क्योंकि इसका तो कंपनी ने इलीगल प्रूफ दिया है, जिसकी मैं इमेज आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा, अभी थोड़ा आगे चल के मिलेगी आपको इमेज। और इसमें प्रोसेसर तो देखिए अच्छा है वन प्लस सिक्स में, और आपको बैटरी भी अच्छी मिलेगी, कैमरा भी अच्छा है रियर। दोस्तों, इम्पॉर्टेंट चीज़ तो अच्छी है, बस आपकी इसमें वेट थोड़ा कम है, वीवो का वेट कम है इससे आपका वन प्लस सिक्स से, और फ्रंट कैमरा ज़्यादा है बस, बाकी सब तो अच्छा ही वीवो से। तो दोस्तों, अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर आपको अच्छा लगे तो वन प्लस सिक्स ज़्यादा बेहतर है इन दोनों स्मार्टफोन में। और दोस्तों, प्राइस तो आपको लिंक में नीचे दिख ही रहे होंगे, लेकिन प्राइस वीवो का कम है, अगर आपके पास कम बजट हो तो वीवो भी इतना बेकार मोबाइल नहीं है, मज़े का अच्छा मोबाइल है वीवो, कम प्राइस के लिए बहुत ही अच्छा मोबाइल है। अगर आप
30,000 के आसपास खर्च कर रहे हैं तो मतलब सिर्फ बहुत ही बेस्ट मोड रहेगा आपके लिए। अगर आपके पास 22,900 रुपीज़ की अकॉर्डिंग है तो आप वीवो भी ले सकते हैं। दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि मैं ऐसे ही टेक्निकल और कंपैरिजन की वीडियो लाता रहता हूँ। दोस्तों आप भी कमेंट में बताइए आपको इन दोनों मोबाइल में से कौन सा अच्छा लगा, वीवो या फिर वन प्लस 6। दोस्तों मैं सभी कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा, तो दोस्तों बताइए कमेंट में कौन सा मोबाइल आपको अच्छा लगा। और दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे चैनल में ऐसे ही कंपैरिजन की वीडियो आते रहते हैं, तो सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।